guys, welcome and welcome back to my channel. I hope that everybody is doing safe and fine. आज फिर से ये बाथरूम में से इतनी आवाज आती है ना, मतलब कसम से पानी. And for today's video, I'll be sharing some review and try on of some affordable makeup that I tried today with you guys. And आजकल मैं बहुत सारे affordable makeup try कर रही हूँ और आपको reviews बता रही हूँ और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं ऐसे videos. वैसे मैं affordable makeup बहुत ज़्यादा, मैं इस affordable में 300 या 400 के अंडर जो makeup है, 299, मतलब you know, उसके अंदर जो category है उसके बाद में बात कर रही हूँ, क्योंकि इस type के videos आजकल मैं बहुत ज़्यादा बना रही हूँ एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है. कौन सा affordable makeup अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा अंडररेटेड है, ये सारी कैटेगरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है. उसी के साथ आज मैंने कुछ नए प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज रिव्यू शेयर करूंगी. मैंने उनको कुछ को भी मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया, कुछ को मैं काफी टाइम से टेस्ट एंड ट्राई कर रही हूँ आपको बताने के लिए कि ये कैसा है. तो कुछ 5-6 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने नए ट्राई किए हैं, उनका रिव्यू, फर्स्ट इंप्रेशन, ट्राई ऑन जो भी आप कहना चाहो वो देने वाली हूँ. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे. साथ ही साथ मैं और भी अच्छे नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहती हूँ. मेरे पास यूजली इतना मेकअप नहीं है अफोर्डेबल, लाइक अंडर 300 काइंड ऑफ, इतना ज़्यादा मैं मेकअप नहीं है. तो आई वुड लव टू ट्राई योर रिकमेंडेशंस एंड उनको मैं रिव्यू करूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा, मुझे नहीं पता चलता है कि मैं क्या खरीदूँ क्या ना खरीदूँ. आप लोग क्या देखना चाहते हो, सो डू लेट मी नो डाउन बिलो कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखना चाहते हो और या कौन से प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं जो मुझे ज़रूर खरीद के ट्राई करने चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए इन अफोर्डेबल कैटेगरी. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सब कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है, हर कोई एक प्रोडक्ट नीचे जरूर बता के जाएगा जिसका रिव्यू आप देखना चाहते हो. आई प्रॉमिस आई डू दैट फॉर यू. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे. वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत शॉर्ट होने वाला है. आई होप कि लॉन्ग ना हो, वैसे मैं कोशिश करूंगी काफी शॉर्ट रखूं. सो आई होप दैट टुडेज वीडियो ब्रिंग्स यू सम हेल्प एंड विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स क्विकली गेट इनटू इट. ओके, ऑलराइटी. वैसे तो मैंने आज अपने फेस पर ही काफी सारे यही प्रोडक्ट्स यूज कर रखे हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ. सबसे पहले आई हैव अ फाउंडेशन, आई हैव दिस मिस क्लियर का फाउंडेशन. नाउ आई नो उसको मैंने पहली बार ट्राई नहीं किया है. आई हैव बीन टेस्टिंग एंड ट्राइंग दिस आउट एंड आई एक्चुअली लव दिस प्रोडक्ट अ लॉट. मैं आज की वीडियो में इसको मेंशन करके ये दिखाना चाहती थी कि मैंने इस पर ऐसे पर्टिकुलरली फोकस नहीं किया. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जो भी अफोर्डेबल मेकअप किया था उसमें मैंने मार्स की बीबी क्रीम बताई थी जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है. सो आई थॉट why to miss this one, क्योंकि ये भी मुझे इक्वली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. आई थिंक मार्स की बीबी क्रीम से ज्यादा कवरेज है इसकी. इट गिव्स यू दैट लाइक स्किन लाइक फिनिश, आई वुड से. द लाइट वेट है, एवरीडे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी कवरेज नहीं है. काफी अच्छी खासी शीयर टू मीडियम तक आप सेकेंड लेयर में बिल्डअप कर सकते हो. बहुत नेचुरल लगता है. सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन आएगा सबके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल रहेगा. अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तो दिस माइट लुक वेरी ग्लोई, यू नीड अ मैटिफाइंग फाउंडेशन देन. लेकिन ये बहुत ही अच्छा एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, मार्स की बीबी क्रीम है या फिर इनसाइड का फाउंडेशन है, उसमें शेड्स की बहुत कमी है. 5-6 शेड्स है इसमें भाई साहब, इतने सारे शेड्स हैं ना, इतने सारे शेड्स हैं ना कि आपको अपने शेड का, एग्जैक्ट शेड का जो भी अंडरटोन्स है उस हिसाब से एग्जैक्ट शेड आप इसमें पिक कर सकते हो. और बहुत ही अच्छा सा चार्ट दिया हुआ है, मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी. काफ़ी अच्छा सा वेबसाइट पर नहीं, एक्चुअली नायका ऐप पर, अमेजोन पर, हर जगह इसका चार्ट दिया हुआ है, शेड चार्ट. काफ़ी अच्छे से अपना शेड पिक कर सकते हो. दिस इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉयड. पैकेजिंग इज ऑल्सो सो कन्वीनियंट. तो आज मैंने इसको यूज किया एंड डू यू सी हाउ स्किन लाइक इट लुक्स, इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. एंड सबसे अच्छी बात इसकी है कि अगर आपको यू नो इसको मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हो. किसी फाउंडेशन की कवरेज ज्यादा है तो आप इसको सिर्फ पार्टीज में या फंक्शंस में यूज कर सकते हो, एवरीडे यूज नहीं कर सकते हो. बट दिस इज समथिंग जो आप एवरीडे भी यूज कर सकते हो एंड देन थोड़ा सा बिल्डअप करके फंक्शंस में, वेडिंग्स में यू नो अच्छा मेकअप भी क्रिएट कर सकते हो. सो दैट वे एक मल्टी टास्किंग प्रोडक्ट बन जाता है. मेरा शेड है 05 नेचुरल एंड आई एम जस्ट गोना शो इट दैट हाउ डज इट लुक लाइक जब इसको अप्लाई करते हो आप. जैसी मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना, ये ना बहुत ही सीमलेसली, मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना पसंद करती हूँ. आप चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो. सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप फिंगर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो. बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है. बहुत थिक भी नहीं है, बहुत थिन भी नहीं है. इट इज समवेयर इन बिटवीन एंड ब्लेंड्स ऑन सो क्विकली. बहुत बटरली स्मूथ ब्लेंड हो जाता है एंड वंस इट ब्लेंड्स डाउन इट लुक्स वेरी नेचुरल, वेरी अमेजिंग. हाईली रिकमेंड दिस वन. ऑलराइट, नेक्स्ट अप आई गॉट दिस मिस क्लियर का फेक इट कंसीलर. लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगता है ब्लेंड होने में एंड इट इज नॉट
दैट यू नो उतनी ज्यादा कवरेज नहीं है, इट्स लाइक शीयर टू मीडियम कवरेज लाइक बिटवीन देयर. अगर अभी मेरे दिमाग में स्विस ब्यूटी का कंसीलर नहीं होता उस प्राइस पॉइंट पे, तो मैं इसको डेफिनेटली कंसिडरेशन में लेती एज अफोर्डेबल कंसीलर. बट स्विस ब्यूटी का कंसीलर है लाइक इसको मैं कहूंगी इनसाइट का जो कंसीलर है उसके जितनी कवरेज है इसकी, मतलब काफी अच्छी शीयर टू मीडियम है, बट प्राइस इनसाइट के कंसीलर से काफी ज्यादा है इसका. एंड ब्लेंड भी उतना ज्यादा स्मूथली नहीं होता है, ब्लेंडर से थोड़ा सा मुझे इतना ज्यादा स्मूथ नहीं लगा. फिंगर से करूंगी तो और भी लाइक टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि ब्लेंडर से मुझे हर प्रोसेस फास्ट लगती है, लेकिन फिंगर से या ब्रश से करूंगी तो केकी भी हो सकता है. सो उतना ज्यादा आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय दिस. इट्स फाइन, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मे बी आपको अच्छा लग सकता है, बट मुझे ये थोड़ा सा ड्राइंग लगा. सो स्विस ब्यूटी का काफी बेटर है इससे. नेक्स्ट आई हैव दिस पेरीपेरा की इंक वेलवेट टिंट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड ये पेरीपेरा एक कोरियन ब्रांड है, एंड येस दे डिड सेंड मी देयर प्रोडक्ट. सारे प्रोडक्ट्स भेजे थे उन्होंने मुझे, काफी टाइम हो गया है. एंड मैंने पूरा कोरियन मेकअप यूज करके फुल फेस ऑफ मेकअप क्रिएट किया था, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप लोगों ने वो वीडियो काफी ज्यादा पसंद किया है. एंड तब एक्चुअली ये ब्रांड न्यूली लॉन्च ही हुआ था, इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं था, बट अभी ओ माय गॉड ये इतना ज्यादा ट्रेंड में है. स्पेशली ये टिंट एंड इसका शेड 02, एंड उन्होंने भी मुझे 02 ही भेजा था, इतना ज्यादा ट्रेंड में है, एवरीबॉडी इज लविंग इट. सो आई वाज लाइक ओके लेट मी ट्राई इट अगेन. मैंने उस प्रोडक्ट्स को रख दिया था, काफी टाइम तक ट्राई नहीं किया था. लाइक आई वाज लाइक कि अभी ये मार्केट में इतना ज्यादा नहीं है, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, लेट मी जस्ट कीप इट असाइड, आई विल यूज इट मे बी लेटर. उसके बाद जब मैंने इसका इतना ज्यादा ट्रेंड देखा, सो आई वाज लाइक आई हैव दिस, आई डिड व्हाई मैंने इसको ध्यान क्यों नहीं दिया. तो जब मैंने उसको यूज किया, एक्चुअली लाइक इट अलॉट. एक्चुअली जब मैंने इसको पहले भी यूज किया था ना, तब भी मुझे उतना अच्छा लगा था, बट वो होता है ना जब आप किसी चीज को 3-4 बार ट्राई करते हो, आपको लगने लगता है ओ वाओ दिस वर्क्स. क्या है ना, ये एक तो हमारी जो वाटर टिंट्स आती हैं जिनको लगाते ही वो एक स्टेन बन जाता है, जल्दी से ब्लेंड करना पड़ता है, एक तो वो होती हैं, एक हमारी जो न्यूली अभी जो कंटेनर में लाइक छोटी डिब्बी में आने लगी हैं जो मूसी क्रीमी लिप एंड चीक टिंट्स आती हैं, जैसे ईबा हलाल की है, डॉटर अर्थ की है, जॉस टॉप्स की है, वो दिस इज समवेयर इन बिटवीन. वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं, वो इजिली ब्लेंड हो जाती हैं जो हमारी कंटेनर्स में आती हैं. एंड जो वाटर आती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं पर ब्लेंड इजिली नहीं होती हैं. दिस इज दैट फॉर्मूला जो इन दोनों के बीच में आता है. इट्स वेलवेटी, इट्स मूसी, एंड इट्स ऑल्सो वेरी लाइट वेट, एंड यू नो इट्स टेक्सचर इज वेरी डिफरेंट. एंड आप जैसे ही अप्लाई करते हो, मैं आप इसको ईजिली लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आप यू नो कुछ सेकेंड्स बाद ब्लेंड करोगे तो ब्लेंड नहीं होगी. हाँ डेफिनेटली बहुत ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं क्योंकि टिंट है, इट इज सपोज लाइक टू बी ब्लेंडेड वेरी क्विकली, लेकिन ब्लेंड होने के बाद बहुत ईजिली एक तो ब्लेंड हो जाती है. इट डज नॉट हैव दैट वॉटरी और मूसी टेक्स्चर, इट हैज दैट वेलवेटी टेक्स्चर जो ब्लेंड हो लाइक लगाते हो तो क्रीम लगता है, क्रीम की तरह ब्लेंड होता है, एंड देन इट लुक्स वेरी पाउडरी एंड वेरी फ्लश्ड एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग ऑल्सो. एंड बहुत ही सुंदर सी पैकेजिंग है, ऑल्दो इट लुक्स के पंप की तरह है, बट इट कम्स विद अ यू नो एप्लीकेटर, एंड इजिली आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो. ऐसा बहुत ज्यादा ड्यूवी ड्यूवी भी नहीं लगती है, एंड बहुत ज्यादा मैट भी नहीं लगती है. इट लुक्स जस्ट योर स्किन एंड आप फ्लश ऑफ कलर नेचुरली गोइंग ऑन. बहुत ही सुंदर सा कलर भी है, लिप्स पे भी आप लगा सकते हो. इट लुक्स लाइक स्टेन एंड इट इज नॉट ड्राइंग, एंड एट द सेम टाइम कलर भी बहुत अच्छा देती है. हाईली रिकमेंड, आप इसको इसकी वेबसाइट से खरीद सकते हो, एंड आई डोंट नो और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, बट माई शेड इज 02 एंड ये आई थिंक सबसे अच्छा शेड है इस रेंज में. सो आई हाईली रिकमेंड दिस. ऑलराइट, नेक्स्ट अप, मास्क लॉन्च्ड फॉर न्यू लिप क्रेयॉन्स. यस दे डिड सेंड मी, एंड इसका मैंने रील भी बनाया है. अगर आपको रील देखना है तो आप चेक कर सकते हो मेरा यूट्यूब, अभी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया होगा तो आप मेरे यूट्यूब पर ही चेक कर लेना, मैंने एक शॉर्ट डाल दिया होगा, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी रील है, तो अगर आप वहां से आओ तो आप वहां पर भी देख सकते हो. तो उसमें मैंने चारों लिप क्रेयॉन्स स्वैच करके दिखाए हैं आपको, एंड काफी अच्छे हैं अंडर अ प्राइस, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं. इट फील्स लाइक अ लिक्विड लिपस्टिक, लेकिन मार्स की जो भी लिपस्टिक होती हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मॉइस्चराइजिंग योर लिप्स रियली वेल, बिकॉज दे आर रियली लॉन्ग लास्टिंग. जस्ट ये सोच लो ना कि अगर तुम बुलेट लिपस्टिक भी लगा रहे हो ना, तो आप लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हो, तो लिक्विड लिपस्टिक के लिए आपको अपने लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ता है. एंड अगर आपके लिप्स ऑलरेडी ड्राई हैं, चैप है, तो ये बिल्कुल भी आपको बहुत क्रैकी और चैपी फील करेगा. सो मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग अ लिप बाम. एंड अगर अच्छे से मैं इस वीडियो में तो करके दिखाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने और एक नई लिपस्टिक मार्स की ट्राई की है जो एक्चुअली मेरी अल्टीमेट फेवरेट हो चुकी है. मैं रिपीटेडली उसी को यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बट ये क्रेयॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम. मेरे पास ऑलरेडी एक शेड था, बट अभी 4 न्यू शेड्स भी लॉन्च हो गए हैं. एंड एक्चुअली इसमें जो मुझे सबसे अच्छा परफेक्ट न्यूड शेड लगता है ना, वो ये है बेरी ब्रेव. इसको मैं आपको स्वैच करके दिखा देती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स सच अ नाइस पीची ब्राउन शेड फॉर मीडियम टू डस्की स्किन टोन भी हो ना, तो भी आप पर शेड अच्छा लगेगा. एक्चुअली इट इज अ वेरी नाइस पीची
परफेक्ट पीची ब्राउन शेड, एंड इस रेंज में ये वाला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो. एंड एक बार सेटल हो जाते हैं ना, बिल्कुल भी आप यू नो स्मज करते रहो, स्मज नहीं होते हैं अंटिल अनलेस यू ईट समथिंग वेरी ऑयली. ऑलराइट, नेक्स्ट अप आई हैव मार्स की ग्लोसला आई शेडो पैलेट. आई नो मार्स इज डूइंग ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मुझे मार्स के काफी सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. अभी मेरे पास दो प्रोडक्ट्स और है मार्स के जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद दीज प्रोडक्ट्स, बट ये काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए, बिकॉज मैंने इसको हाइलाइटर की तरह अप्लाई करने की कोशिश की, बट इट हैज ब्राउन ब्रॉन्जी पिंकी डार्क पिंकी शेड्स, एंड ये हाइलाइटर के टोन बहुत सारे इंडियन स्किन टोन्स को फ्लैटर नहीं करेंगे, सो ये मेरे लिए एक माइनस पॉइंट बन जाता है. ऑल्दो ये पैलेट बहुत अफोर्डेबल है, 250 की है, बट दिस हाइलाइटर समहाउ आई डोंट नो किस स्किन टोन पर ही काम करेगा. एंड ये इतने ज्यादा चंकी है कि आप इनको लाइक लुक एट देम, इनको आप ब्लश की तरह तो यूज नहीं कर सकते हो. दे लुक क्वाइट हाइलाइटी एंड शिमरी, जो हाइलाइटर की तरह ही यूज हो सकते हैं. एंड आई डोंट थिंक कि ये फेस किट के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल चीज है, सो इसमें पैसे डालना आई थिंक काफी वेस्ट हो जाने वाला है पैसों का, भले ही 249 की हो, क्योंकि मार्स में काफी अच्छे अच्छे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं एंड बहुत ही अच्छे मल्टीपर्पज भी प्रोडक्ट्स हैं. तो 249 में आप कुछ और खरीद सकते हो. आई डोंट थिंक दैट दिस इज वर्थ इन्वेस्टिंग, सो यू कैन जस्ट स्किप दिस वन. ऑलराइट, नेक्स्ट अप आई हैव दिस आई शैडो पैलेट. Oh my god, I am in freaking love with this eyeshadow palette. इसमें तीन शेड्स आते हैं, they are quite affordable. This is for 249 rupees only. Color scheme, the shades like बहुत ही ज़्यादा pretty shades हैं. तो जैसे ही मैंने इसको देखा, I thought के oh my god, they are so pretty. वैसे मुझे third shade लेना था, but वो थोड़ा सा मुझे colorful लग रहा था. इसमें black भी है, इसमें shimmers भी है, एक glitter भी है. So I was like okay, let me try this one. And ये लिया ना, so I was like के shades तो बहुत अच्छे हैं, बस pigmented होने चाहिए. And let me show you the pigment. Pigmentation on these, they are highly pigmented. Even the lightest shade, आज मैंने ये वाला lighter shade अपनी eyelid पर apply किया है. हाथ पर तो oh my god, हाथ पे भी काफी अच्छे से शो हो रहा है. आप देखो eyelids पर कितने ज्यादा smoothly blend हो रहा है, show up हो रहा है. I thought कि light colors तो बिल्कुल भी नहीं होंगे. Like light colors से अगर palette काफी affordable होती है तो expectation कम होती है, but This blended on so 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 smoothly. सब कुछ सारे ही मैट शेड्स काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं इस पैलेट में. सो आई एम श्योर के डार्कर शेड्स तो और भी होंगे. देन आई यूज दिस पिंक शेड ऑन माई लोअर लाइक लैश लाइन एंड ओ माई गॉड, इतनी ईजली स्मूथली, मुझे नहीं पता था कि ये वाला पिंक शेड इतना ज्यादा पिगमेंटेड होगा कि मैं उसको अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी और वो इजिली इट लुक सो नाइस. एंड नाउ कमिंग टू द शिमर शेड, मैंने जो आईलिड्स पर लगा रखा है ना, ये यही वाला शिमर शेड है. एंड व्हेन आई अप्लाइड इट आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज बटरली स्मूथ गाइस. देखो मैं एक बार अपनी फिंगर रब करती हूँ एंड अभी आप देखना इसका पिगमेंटेशन. देखो मैं लुक एट दैट, इट लुक सो ब्लिंगी, सो वॉटरी, सो स्मूथ, इतना ईजिली अप्लाई हो जाते हैं. एंड एक्चुअली मैंने ग्लिटर ट्राई नहीं किया, इट ऑल्सो हैज अ ग्लिटर, गोल्डन ही ग्लिटर है इसमें अभी तक मैंने. ओ माय गॉड, दैट लुक्स नाइस, बहुत ही प्यारा ग्लिटर लग रहा है. इट ऑल्सो हैज अ ब्लैक, आई थिंक एक आईशैडो पैलेट में ब्लैक होना चाहिए. एंड ये ब्लैक भी काफी ज्यादा पिगमेंटेड है, सो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस. इंटेंसली पिगमेंटेड, आई वॉज रियली रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस पैलेट एंड स्पेशली द शिमर्स आर टू डाई 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 फॉर. मैंने अपनी आंखों पर ये शिमर लगाया ना, इसने मेरी आंखों में जान डाल दी. एंड ऊपर से नीचे जो पिंक शेड लगा रखा है, ऑल इन ऑल such a worth buying palette. This has 16 shades and mattes और shimmers का बहुत ही अच्छा combination दिया हुआ है. अगर आपको normal subtle day to day looks create करने हैं वो भी कर सकते हो, wedding events functions उस type का look भी create कर सकते हो. It's such a nice palette with such a great price point. Alright, lastly coming up to this mask की lipstick, this is how it looks like. This is the mask matte lipstick and इसकी अभी नई range launch हुई है and this is in the shade nude flirt. इतनी सुंदर packaging है, the bullet looks so classy, so stunning and I'm just gonna leave the price right here. काफी ज़्यादा affordable है and look at the packaging. यहाँ पे ऐसी rotating वाली packaging है. It's not like you know magnetic or something of that sort. काफी अच्छी convenient packaging and then here is how the bullet looks like. Now look at that shade. जब से मैंने इसको लिया है ना, I'm just using this shade. अभी भी मेरे lips पर यही है, mixed with something another shade in centers. थोड़ा सा light shade है centers में. बाकी यही है, I'm absolutely loving this shade, guys. I can't even tell you, जब से ये लिया है मैं इसको कितना ज़्यादा use कर रही हूँ. And this is how the shade looks like. It's that perfect brown shade. This is how it looks like.
लिटिल बिट ऑन द कूलर साइड, जैसे होता है ना थोड़ा सा कूल टोन हो, पर ब्राउन हो, पर वार्म भी हो, इट इज दैट काइंड ऑफ शेड. एंड फेयर टू मीडियम स्किन टोन, डस्की भी होना, मतलब बहुत ज्यादा ही, जब तक डस्की नहीं हो, थोड़ा बहुत डस्की हो तो भी ये शेड आप पर बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा. इट लुक्स एब्सोल्यूटली स्टनिंग, दे आर क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग. अगेन ये भी बहुत अफोर्डेबल है, बट इट इज अ लिक्विड लिपस्टिक, इट फील्स लाइक लिक्विड लिपस्टिक. अगेन मॉइस्चराइज योर लिप्स रियली वेल, बट ये शेड पर्टिकुलरली 07, ये जो स्विस ब्यूटी का क्यूट न्यूड है ना, जो लोगों ने इतना रोना गाया है, वो शेड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वो भूल जाओ, इसको ट्राई करके देखो, यू विल फॉल इन लव विद दिस वन. द फॉर्मूला एंड एवरीथिंग इज सो 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 स्टनिंग. थोड़े टाइम बाद ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती है, इट इज जस्ट अ मैट लिपस्टिक. स्विस ब्यूटी का जो क्यूट न्यूड है ना, वो इतना ऑरेंजी ऑरेंजी लगता है ना मुझे. दिस इज दैट परफेक्ट ब्राउन शेड जो मैंने सोचा था कि क्यूट न्यूड ऐसा होगा, बट वो वैसा नहीं था, वो बहुत अलग है. ये एक जो शेड है ना, जो ऐसा ब्राउन शेड होना चाहिए, ये वो वाला शेड है. एब्सोल्युटली लव दिस वन. एंड इसका जो बुलेट का वो है ना शेप, मुझे देखकर ऐसा लगा था कि बहुत अजीब शेप है, इससे अप्लाई कैसे होगा, बट इससे शेप बहुत अच्छे से आ जाता है. ये भी एक रीजन है दैट आई ग्रेविटेट सो मच टुवर्ड दिस लिपस्टिक, बिकॉज इसके जो शेप है ना, इट्स वेरी यूनिक. मैंने किसी बुलेट में ऐसा शेप देखा नहीं है, इट्स क्वाइट डिफरेंट. इससे ना लिप लाइन ना, मतलब मुझे लिप लाइनर की जरूरत नहीं पड़ती है, इससे लाइनिंग बहुत ज्यादा अच्छे से होती है. एंड अच्छे से थोड़ा सा ओवरलाइन भी करना होता है ना, उसके लिए भी लिप लाइनर की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा ओवरलाइन करके बिल्कुल. और इसकी फुल कवरेज है, तो जब आप लिप लाइन करते हो ना इससे और ओवरलाइन भी करते हो थोड़ा सा, तो दिखता नहीं है कि आपने ओवरलाइन किया है. अभी भी मैंने थोड़ा सा लिप्स को ओवरलाइन किया है, एंड कोई भी लिप लाइनर यूज नहीं किया है, बस इसको यूज किया एंड यू कैन नॉट मेक इट आउट. सो this is something you should try. Alrighty my people, with that we come to an end of this video. I hope कि आपने video enjoy किया हो, आपको अच्छा लगा हो. And हर कोई बिल्कुल ध्यान से एक प्रोडक्ट जरूर बता के जाना नीचे जो मुझे अफोर्डेबल कैटेगरी में ट्राई करना चाहिए एंड आप उसका रिव्यू देखना चाहते हो. आई विल डू अ वीडियो लाइक द रिव्यू, द प्रोडक्ट रिव्यूज यू गाइज आस्क्ड फॉर, ऐसा कुछ वीडियो करूंगी. एंड उसमें जो भी आप प्रोडक्ट्स नीचे बता के जाने वाले हो मुझे, मैं जरूर ट्राई करूंगी. सो ब्लैक लगा हुआ है, वो मैं जरूर ट्राई करूंगी. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दैट. एंड यस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. बाय बाय.